Sanjay Raut and Aditya Thakre, they had a meeting. Today, me and my colleagues had a long chat with her. Her intention is, in today's situation, national level, like-minded forces has to come together. They have to set up a collective leadership platform, and we have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. This platform has to be established, and with that intention, she has visited and she had a very positive discussion with all of us. पवार साहब, आपको लगता है सर कि ये जिन सारे लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लाने की कोशिश ममता जी करें, आप भी करें, लेकिन क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी सर? कांग्रेस के बिना नहीं, कांग्रेस या किसी को बिना, सीधी बात एक है कि जो हुआ अगेंस्ट बीजेपी, If they come together, they are very strong. इन्होंने कहा सर, ममता जी ने कहा कि फील्ड में रहना जरूरी है, नेता यहाँ पर विदेश में जाते हैं, फील्ड में रहना जरूरी है, फील्ड में रहकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। इसी जी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड पर काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई, और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते हैं। गंभीर रहने की जरूरत है सर, आपको लगा है कि गंभीर होना? सात साल में बने हैं, उसमें सात पे ही चर्चा हुई, बाकी फोर्सफुली पास कर दिए गए। क्या उनको उन्होंने कहा है कि नई सरकार आती है तो उसको रिव्यू किया जाएगा, उन सारे कानूनों को जो फोर्सफुली पास किए गए हैं? नहीं, जहाँ पार्लियामेंट्री फ्लोर में डिस्कशन करने का मौका इलेक्शन मेंबर्स को मिला नहीं, और कोई प्रपोजल बुलडोज किया हुआ, तो ऐसे बारे में जरूर सेकंड थॉट देने की आवश्यकता है, एक हमारा जनरल थिंकिंग है। जैसे बात आती है लाइक माइंडेड पार्टी इकट्ठा हो, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रांग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अंतिम इशू प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। हमने शाहरुख जी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव का तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने
उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा, उन लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारथी इज द सीनियर नेता है, शरद जी यूपीए के सबसे अलग रखे हो सकता है क्या, कांग्रेस को अलग रखे हो सकता है क्या, देश भर। देखो सारथी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है, क्या करेगा बैठ के? जिसका फल कि देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। रीजनल पार्टी को मजबूत करने की बात की, जितने भी रीजनल पार्टीज है ममता जी, जितने भी रीजनल पार्टीज है उनको मजबूत करने की जरूरत है, वो आगे बढ़े। उस बारे में उतरण्याची बात नाही, सगळ्यांना भरून घेऊन जायची बात आहे, आणि त्यासाठी जो मेहनत करते आणि सगळ्यांच्या वर येण्यासाठी तयार आहे त्या सगळ्यांच्या सह राहुल गांधी। अरे क्या आ रहा, एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।